अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और गंदम की फसल जड़ी है वो पक चुकी है। देख सकते हो बड़ी सोहनी फसल हुई है इस दफा गंदम की। और इस साइड ते फसल तकरीबन जड़ी है ना सारी खड़ी है, डिगी नहीं है। जरा थोड़ा जा रेतली एरिया और फसल जड़िया ने तो ठीक ने, हो सकता इन्होंने पानी ना लाया हो पहले, इस तो जड़ा ना वो बचत हो गई है काफ़ी सारी। बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी फसल है। ओ सामने जड़ा वो आमले का दरख्त है, जामन का। जड़िया ने भिंडियां लाइया ने, देख सकते हो दोस्तों को नहीं पता कि भिंडियां कैसे लगती हैं, पौधा कैसा होता है। ये भिंडियों का पौधा है, ये छोटा है, ये सारा जो है ये खेत जो है ना ये भिंडियों का, ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा लगेंगी। ये स्टाला है जानवरों के लिए और इसमें कमाद है, कमाद की फसल है। आगे आपको प्याज दिखाते हैं, प्याज जो है वो उसकी फसल, उसका जो है वो किस तरह का प्याज होता है। ये प्याज है, प्याज को कोई ना वो एक महीना और लगेगा फिर ये सारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए प्याज है, बड़ा प्यारा लग रहा है और माशाल्लाह अच्छा हो गया। ये प्याज है सारा, और इसमें कमाद भी लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये कमाद है। ये घर के लिए ही है सारा। साथ ये भी कमाद की ही फसल है, इसको मोटा कमाद कहेंगे क्योंकि ये एक दफा काट लिया गया दोबारा ये हुआ। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज आप देख सकते हैं कि मशरक वाली साइड पे है अभी है। गंदम के आपके सामने खेत है सारे, ये साइड पे भी पहले भी कमाद था यहाँ पे, अब दोबारा जो है वो कमाद लगाया। वो जो पौधा गिरा है सामने वो ये जो आंधी आई है कुछ दिन पहले उसके ये गिर गया, आंधी बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से हवाओं का आंधियों का है ना वो एक मौसम भी है
और मज़ा भी बड़ा आता है उस वक्त, लेकिन नुकसान भी होता है। और ये सारी चीज़ें जो हवाएं ज़्यादा चलती हैं आनी आती हैं, ठीक है, पंजाबी में जिनको हम नेरियां कहते हैं, तो इनका एक अलग सा एक नुकसान भी है, नुकसान भी हो जाता है। लेकिन उस वक्त जो है ना, बंदा जो है ना वो बड़ा अच्छा भी महसूस करता है। मौसम जो है ना वो एकदम चेंज हो जाता है, बदल जाता है एकदम। सामने जो है वो आम का दरख्त है, उसके साथ जो इकट्ठे दो दरख्त हैं वो हैं चीकू के दो दरख्त हैं, उसके साथ फिर आम का दरख्त है। जी फसल थोड़ी जी गिर गई है, तकरीबन ही गिर गई है सारी, लेकिन इस साइड देखो गया बिल्कुल साइड जी है ना ठीक है। इस तो अगे जड़ियाँ पैलियाँ वो भी ठीक ने।